सारी दुनिया में टेंशन ही टेंशन है, कहीं आइसिस है, कहीं अफगानिस्तान में वो हो रहा है, कहीं यहाँ पे शूटिंग हो गई, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। जो वर्ल्ड में झगड़े हो रहे हैं उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। घर में बड़ी टेंशन है, उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, है नहीं लेकिन कर सकती हैं। और वो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आप देख रहे हैं नुस्खा, मैं आपको नुस्खा सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो है हाउ टू कंट्रोल टेंशन इन योर ओन हाउस होल्ड। वो ये है, ये मंत्र याद रखिए, यू आर ऑलवेज राइट। सूरज दिन में चमक रहा है, तू कहती है नाइट। सूरज दिन में चमक रहा है, तू कहती है नाइट। सही गलत मैं किसको पढ़ना, सही गलत मैं किसको पढ़ना, यू आर ऑलवेज राइट। प्यार तेरा है बड़ा ही चोखा, प्यार तेरा है बड़ा ही चोखा, पकवान बनाए रोज अनोखा, रोज अनोखा, अपने दिल पे पत्थर रख के करूं प्यार पे बाइट। सही गलत में कौन पढ़े, यू आर ऑलवेज राइट। इनके गमले बहुत हैं। अब साहब देखिए, आजकल वेट वगैरह का बड़ा चक्कर है, हर एक बीवी जो है कोशिश करती है वजन कम हो, ये हो वो हो, तो उसके लिए देखिए आप, उसमें ही मंत्र है, मोबाइल से कम वेट तेरा, मोबाइल से कम वेट तेरा, चिड़िया जितना पेट तेरा। मोबाइल से चिड़िया से कम पेट था, तू तो खाती नहीं कुछ। लगता तूने महंगाई से ठान रखी है फाइट। सही गलत में कौन पढ़े, यू आर ऑलवेज राइट। अब सर ये जो है इसमें बड़ी इमेजिनेशन है, ये अब तक किसी ने नहीं इमेजिन किया। लोग आंखों पे, मैंने भी आपको कई शेर सुनाए आंखों के, ये डिफरेंट। तेरे स्विमिंग पूल से नैना, तेरे स्विमिंग पूल से नैना, मुझको बस इनमें ही रहना, तेरे स्विमिंग पूल से नैना, मैंने तो बस इनमें ही रहना, डूब ना जाऊं इसीलिए क्या कम रखी है हाइट। ठीक झूठ में कौन पड़े, यू आर ऑलवेज राइट। ये अगर आपने मंत्र याद रख लिया तो जीवन सुखी होगा। तो मेरी है ना कम। अच्छा सुनिए, अब आप देखिए, ये तो आपकी समझ में आ गया ना, वो पहला वाला शेर तो था, वो थोड़ा क्लासिकल था, ये तो समझ में आया, बराबर था। I'm just telling you, नहीं, वो बाबा राइट थिंग, उसका मतलब ये था कि you are always right, you are always right, कुछ भी हो you are right। अच्छा अब आपको एक चंद, अब आपको चंद पंक्तियां सुनाता हूँ, वो इससे भी ज्यादा राइट है। मेरे दिल के कोरे कागज पे लिख दिया है तेरा नाम, है ना, कोरा कागज था आज से 45 साल पहले। अभी तो 45 नहीं हुए यार हमारे शादी को। तेरे दिल के कोरे कागज पर लिख दिया है तेरा नाम, 55 की मेरी राधा, 60 बरस का मैं शाम। 5 साल का फर्क है। अब ये देखिए जी, फर्क निकाले तो फर्क निकालेंगे, इतनी रिसर्च मत करो मेरे भाई। मेरे दिल के मंदिर, मेरा दिल तो एक मंदिर है और प्यार है मेरी पूजा। मेरा दिल तो एक मंदिर है, प्यार तो है मेरी पूजा, ये दिल तो नारंगी, इस दिल को नारंगी मत समझो, मत नो, इस दिल को नारंगी समझो, मत समझो खरबूजा। अभी दिल जवां है, भाई 60 का है, अभी दिल जवां है पर जलने वाले कहते हैं पिपला आम।
मेरे दिल में के कोरे कागज पर लिख दिया तेरा नाम। अब साहब देखिए, ये जो अब जो पंक्तियां हैं ना, ये आपको स्ट्राइक करेंगी, क्योंकि ये हमारे घर में ऐसा ही होता है और शायद आपके घरों में भी ऐसा ही हो। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क है, बिल्कुल इक्वल डिवीजन है, ईमानदारी से। ओह माय गॉड, इस वॉइस में बड़ी शांति रहती है, झगड़ा नहीं होता। मैं चाय बनाकर देता हूँ, उठ कर पी लेती। मैं खाना बनाकर देता हूँ, वो आकर खा लेती है। Oh my God. हिल मिल के करते हैं हम अपने घर के काम। मैं बर्तन मांजता हूं। मेरे दिल के कोरे कागज पर लिख दिया तेरा नाम। बात ये है, ये तो हमारी एज ग्रुप है। अब आजकल के यंग जवानों को ना तो उर्दू आती, ना कोई उनको लैंग्वेज कोई सी आती, ना उनको इंटरेस्ट है, ना उनको टाइम है, है जी? तो उनकी तो उनके वो क्या प्यार नहीं नहीं इसे बैठ जाते हैं सुनिए। अब आपको बताता हूँ क्या हुआ है कि क्लास में आजकल अब एक जानता है, सुबह उठते ही को राम राम नहीं करता, फेसबुक खोलता है, गुड मॉर्निंग नहीं करता। अच्छा, तो क्लास में लड़का बैठा था, उसने अपनी फेसबुक खोल जाता है, उसने जैसे उसने खोली ना, प्रोफेसर पढ़ा रहा था, एक उससे 20 साल ने फेसबुक खोली हुई थी, तो उसने लड़के को फेसबुक का दिया, क्लास से निकल जाओ, है जी? अब जनाब प्रिंसिपल किसी मीटिंग में था, लेकिन उस समय साले ने फेसबुक खोली हुई थी, उसने देखा ना क्या हो रहा है, उसने जनाब उसको सपोर्ट का बटन दबा दिया, अप्रूव। अब जनाब बाप जो था कहीं नौकरी पर अपनी किसी मीटिंग में बैठा था, लेकिन फेसबुक खोली हुई थी, उसने जनाब देखा कि क्या हो रहा है, उसने खटाक से फेसबुक पर लिखा, माँ को भेजा कि देखो तुम्हारा नालायक लड़का क्या कर रहा है। अच्छा, माँ जो थी वो सब्जी वगैरह बना रही थी, लेकिन फेसबुक तो खुली हुई थी, उसने कहा वो बदतमीज, अगर तने क्लास में नहीं तू है तो कम से कम घर आ जा, और आते हुए आधा किलो प्याज और आलू लेता, क्योंकि रात को खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, है जी? अच्छा, ये सारा वार्तालाप जो था उसकी गर्लफ्रेंड भी सुन रही थी, उसने कहा वो कमीने, तने मुझे तो कहा था कि मेरी दादी मरने हाल पड़ी है, मैं अस्पताल में हूँ, मैं तेरे से मिलने नहीं आ सकता, और तू तो ये कर रहा है ड्रामे, आई हेट यू। अब जनाब दादी थी वो भी फेसबुक खोले बैठी थी, उसने कहा वो फिटे मुंह तू मुझे मार रहा है, मैं तो अच्छी खासी हूँ। तो जनाब एक पंगा लिया उस लड़के ने बेचारे ने, और अपनी क्लास में फेसबुक खोल ली और अजाब ले लिया। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब साहब ऐसा है, दूसरे पंगे क्या हैं, है जी? अगर गर्लफ्रेंड साथ है, अब आजकल की जनरेशन पे तो बिल आते हैं, है नहीं? रेस्टोरेंट की बिल, गर्लफ्रेंड साथ है तो रेस्टोरेंट की बिल, गर्लफ्रेंड दूर है तो मोबाइल के बिल, अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो विस्की के बिल। तो इसलिए कहता हूं ना लगाना दिल, फिर नहीं आएंगे बिल। अच्छा, आपको छोकरी की फिक्र पड़ी है। चौकड़ी मुसीबत। अब साहब एक लड़के ने अपने बाप से पूछा कि पिताजी हाउ मच इट कॉस्ट टू गेट मैरिड, मैरिज में कितना खर्चा होता है। बाप ने कहा बेटे मुझे नहीं पता, मैं तो अभी भी पे कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी भी पे कर रहा हूँ। एक बार साहब एक भिखारी है, भिखारी घूम रहा था हट्टा कट्टा, तो मैंने उसको कहा अरे तू इतना हट्टा कट्टा है तो शर्म नहीं आती, मेहनत क्यों नहीं करता, भीख मांग रहा है। उसने मेरे से कहा आपने कभी भीख मांगी है? अभी मैंने तो नहीं मांगी। कहता फिर तुझे क्या पता मेहनत क्या होती है।